अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से, ग्राम पंचायतों में उपसरपंच के चुनाव होने हैं आज। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन कराएंगे। आज दूसरे चरण के लिए निर्वाचन होगा, उपसरपंच के लिए निर्वाचन होना है। कल पहले चरण का निर्वाचन हो चुका है और आज दूसरे चरण का, तीन चरणों में निर्वाचन होगा और आज दूसरे चरण के लिए निर्वाचन होगा। कल तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, तो सरपंच के लिए मतदान तीन चरणों में। कल पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए अलग से कार्यक्रम तय किया गया है। 27 जुलाई को पहला, 28 जुलाई को दूसरा चरण होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए 29 जुलाई को सम्मेलन होगा। निर्वाचन के लिए कलेक्टर पीठासीन अधिकारी होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, ग्राम पंचायतों में उपसरपंच चुनाव के लिए आज भी मतदान होना है, आज दूसरे चरण का मतदान, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पूनम, बात की जाए ग्राम पंचायतों की, तो यदि पहले चरण की बात की जाए तो पहला चरण कल था और आज दूसरा जो चरण है वो रखा गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच है उनको कहीं ना कहीं जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आज की जाएगी। क्योंकि बात की जाए तीसरे चरण की, तो कल तीसरा चरण रखा गया है, जिसके लिए पीठासीन जो अधिकारी हैं वो निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उप सरपंचों के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं दो से तीन जो चरण हैं उस पर किए जा रहे हैं। और बात की जाए जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, तो निर्वाचन का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं 27 जुलाई और दूसरा जो चरण है वो 28 जुलाई को देखने को मिलेगा। वहीं बात की जाए जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए जो पीठाधीश जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं नियुक्त किए गए, मगर आज की यदि बात की जाए तो आज उप सरपंचों के लिए ग्राम पंचायत को जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जो पीठाधीश जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे और वो निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं शुरू करवाएंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा 27 और 28 जुलाई को भी दूसरा चरण अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, तो किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? बिल्कुल, यदि बात की जाए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जो कार्यक्रम है वो प्रथम चरण का जो निर्वाचन है वो 27 जुलाई को होगा और द्वितीय चरण का जो निर्वाचन है वो 28 जुलाई को होगा। क्योंकि बात की जाए पीठाधीश अधिकारी की, तो कहीं ना कहीं इस निर्वाचन में जो पीठाधीश अधिकारी है वो कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि ये बात की जाए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो कहीं ना कहीं जिला स्तर पे होता है, जिसके चलते कलेक्टर को ये जो बड़ी जवाबदारी दी गई है उनको, कलेक्टर को जो पीठाधीश अधिकारी है वो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बनाया गया है। जी